हाय गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं पोहे का चूड़ा। रेसिपी बहुत सिंपल है और इसमें बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स दिए गए हैं जिससे कि आप चूड़ा बना सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा दिन स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिए मत, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। तो बढ़ते हैं रेसिपी की ओर। तो सबसे पहले हमें पोहे लेने हैं, तो ये पोहा हमें गर्म करके लेने हैं। तो कढ़ाई चालू करनी है, लो फ्लेम पे हमें गैस रखना है और कढ़ाई रखनी है, और उसके बाद जो पोहे हैं वो डालने हैं। बस इसे कुरकुरे होने तक हमें गरम करके लेने हैं। तो देख सकते हैं जो पोहे हैं बस एक दो मिनट में पूरे गरम हो जाते हैं। तो कोई भी क्वांटिटी ले आप ले सकते हैं आप, बस उसे गरम कर लेना है। तो आप देख सकते हो, इसे आप हाथ से पहले चेक कर लो। देखो, आप जब हाथ से चेक करोगे ना तो उसे कुरकुरा सा आवाज़ आएगा। तो समझ लेना है कि हमारे पोहे बन चुके हैं। विदाउट ऑयल हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो गरम किए हुए पोहे हैं, इनमें अब जो नारियल को जो बारीक बारीक कट करके पीसेस है उनको मैंने फ्राई करके लिया है, तो वो अब उसमें डालेंगे पोहे में। फ्राई करने से क्या होता है ना कि उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। अब इसमें हम डालेंगे मूंगफली। तो मूंगफली भी मैंने फ्राई करके ली है, तो वो भी हम उतनी ही क्वांटिटी में डालेंगे। आपको जितना मूंगफली पसंद है उतना आप डाल सकते हो। तो मैंने ऑयल में फ्राई करके लिए हुआ है मूंगफली, तो वही हम डालेंगे पोहे में, ठीक है। तो उसके बाद हम जो इंग्रेडिएंट इसमें डालेंगे, यानी कि चना हो, काजू हो, सब कुछ इसमें हम फ्राई करके डालेंगे, ठीक है। तो डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इससे क्या आएगा ना, खाते वक्त अच्छा सा क्रंचीनेस आता है, ठीक है। तो इसके बाद देख सकते हैं चना जो है, चना भी मैंने फ्राई करके ही लिया है। तो फ्राई करने के बाद चना इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो चना डालने के बाद, तो मुझे चना तो बहुत पसंद है, पोहे में चना ज़्यादा डलता है, तो कंजूसी मत कीजिए चना डालते समय। चना उसमें पोहे में जितना ज़्यादा हो उतना आपका पोहा अच्छा लगता है। तो करीब करीब दो कटोरी इतना चना डाला होगा, 2 से 3 कटोरी इतना चना डाला है मैंने, ठीक है। तो अब चना डालने के बाद अब हम डालेंगे हमारा मेन इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो इन ये सब बनते समय आपको नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब के बटन पे ज़रूर प्रेस कीजिए और चैनल को लाइक करना और शेयर करना भूलिए मत, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन भी प्रेस कीजिए ज़रूर, ठीक है। तो अब मैंने इसमें चना डाल तो डाल दी है, तो अब इसमें मैं डाल दूँगी मेन इन्ग्रीडियंट, जैसे मैंने कहा। तो इसमें डालेंगे हम काजू। तो काजू भी मैंने फ्राई करके लिए, काजू से ना ऐसा बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारे पोहे को जब हम खाते हैं, आई मीन चिवड़े को, ठीक है। अब ये ऑयल देख सकते हो, ये ज़रा पीला पीला रंग का दिख रहा है, देखो लाइट लगा के दिखाती हूँ, पीला पीला रंग का दिख रहा है। तो ये इसलिए है क्योंकि हम इसमें चने जो है, चने, शेंगदाने, मूँगफली, ये सब इसमें हमने फ्राई करके लिया था, इसलिए इसका कलर ऐसा है। तो इसमें अब हम तड़का देने वाले हैं। तो इसमें मैंने जीरा डाला है, मूरी डाली है, सरसों डाला है, ठीक है। तो इसमें अब जो रामबंधु मसाला है ना, इससे अब अच्छे से इसमें मसाला बनाने वाले हैं। तो पहले इसको तड़का देना है, ठीक है। अब वो डालने के बाद, जीरा मूरी डालने के बाद, हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे, लहसुन डालेंगे पहले, ठीक है। जो नॉर्मल हम जैसे कैसे तड़का देते हैं उसी तरीके का तड़का देना है। देख सकते हैं हमने डाला है लहसुन, तो बारीक कटा हुए लहसुन डाले हैं, करीब करीब 7 या 8 लहसुन बारीक कटे हुए मैंने इसमें डाले हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता। तो जैसे आप घर में सब्जी बनाते डालते हैं ना तड़का, वैसा ही तड़का डालना है हमें। तो देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसके ऑयल में जब एसेंस लहसुन का उतर जाए तब हम डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता। तो अब डालेंगे हम कड़ी पत्ता। देख सकते हैं कि जो लहसुन का जो स्मेल है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से ऑयल में
घुस चुका है, तब भी हम उसमें कड़ी पत्ता डालें कि ताकि सारे जो इंग्रेडिएंट्स डाले उसका बहुत अच्छा स्मेल आए। ठीक है, कड़ी पत्ता का बहुत अच्छा अरोमा आता है पोहे में, चिवड़े में। सो ज़रूर कड़ी पत्ता डालते वक्त कंजूसी ना करें, बहुत ज़्यादा डालें। और आप हम इसमें डालेंगे राम बंधु का चूड़ा मसाला। तो राम बंधु का चूड़ा मसाला बेस्ट है। तो एक पॉकेट जो है मैंने इसमें यूज़ किया हुआ है चूड़े के मसाले के लिए। तो अभी मिक्स करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये जो मसाला है इसे बस हमें सब मिक्स करना है, और उसके बाद हम इसे जो हमने पोहे का जो मिक्सचर बनाया है उसमें डालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे अच्छे तरीके से मिक्स करें ताकि पूरा जो मिक्सचर है वो पूरा गीला हो जाए। ठीक है, मिक्सचर पूरा देख सकते हैं मिक्स हो चुका है अच्छे से। इसे थोड़ी देर 1-2 सेकेंड के लिए मिक्स करो और फिर हम इसे डाल देंगे हमारे पोहे के मिक्सचर में। बीच में थोड़ी जगह बना लेती हूँ मैं ताकि डालने समय आसानी पड़े। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारा राम बंधु का मसाला जो कि तड़का दिया हुआ है। तो अब इसे पूरा डाल देंगे इसमें। रेड कलर का, डार्क रेड कलर का मिक्सचर लगता है। ठीक है, तो अब इसे डालने के बाद अब इसे अच्छे से हिला हिला कर मिक्स करेंगे। ठीक है, तो इसको आपको एक चम्मच लेके या बड़ा चम्मच लेके इसको हिलाना नहीं है, बस इस बर्तन को जो है इसको हिलाना है ताकि वो सारा जो मसाला है वो सारा और लग जाए। फिर थोड़ी जो चम्मच है कुछ किसी भी मदद से आप इसे सिर्फ हिला के लीजिए ताकि मसाला सभी और स्प्रेड हो जाए। ऐसे ही करके मैं पूरा मसाला 2 चम्मच लेके इसको मसाले को सारी और डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। तो देख सकते हैं पूरा मसाला जो है मिक्स करके लेना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। 5 मिनट लग जाते हैं और पूरा जो मसाला है वो चूड़े में अच्छी तरीके से मिल जाता है। सिर्फ मिक्स करना है अच्छी तरीके से। देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ, बस इसे घुमाकर सिर्फ मिक्स करें। ज़्यादा इसमें मैं सजेस्ट करती हूँ कि चम्मच का अवॉइड ही कीजिए। तो देख सकते हैं 5 मिनट के बाद मैंने पूरा जो चूड़ा है उसमें मसाला पूरा मिक्स हो चुका है और हमारा जो चूड़ा है वो रेडी हो चुका है। तो पोहे का चूड़ा जो है आप बहुत टाइम तक यूज़ कर सकते हो। मैंने जैसे आपको टिप्स बताई उसे आप यूज़ करके ये चूड़ा बहुत दिन तक सेव करके या स्टोर करके रख सकते हो। तो ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे, आप ज़रूर देखना, बहुत सारे वीडियो अभी भी आ रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब के लिए बाय बाय।